हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने मिलेगा। तो ये देखिए, टेडी बेयर जो ऊपर रखा हुआ था वो गिर गया था, तो मैं उसे उसके जगह पर रख दे रही हूँ। नया टेडी बेयर है इसलिए मैंने प्लास्टिक में बांध के ऊपर रख दिया। मेरे बाबू को जन्मदिन में मिला था, मैं इस साल उसे 2 टेडी बेयर मिला है, तो एक लेके खेलता और एक रख देती। तो आज कल ही मैंने देखे बेडशीट उतारा था तो टाइम नहीं मिला कल मुझे धोने लगाने का। तो ये देखिए, आज बज रहे हैं 10:30 सुबह का, तो 10:30 मेरा घर का सारा काम हो गया था, नाश्ता वगैरह भी हो गया था, सब कोई अपने अपने काम में चले गए थे और बस। तो मैं अपना काम कर ले रही थी, खाना भी मैंने वहाँ चावल दाल गैस पे बैठा दी हूँ, इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। ये देखिए, खेल के आ गया और बोल रहे बैठ गया, वीडियो देख रहा था कि वीडियो शूट हो रहा है, तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो ये देखिए, मैं पिलो कवर लगा ले रही हूँ, एक एक करके मैं सारे में लगा लूँगी, क्योंकि पिलो जो कवर है वो मतलब बहुत लाइट कलर था, तो वीकेंड में क्या हो जाता है, गंदा हो ही जाता है, सप्ताह भर में तो गंदा हो ही जाता है। तो मैं वीकली बेडशीट वगैरह धोती हूँ, 2-3 दिन में नहीं धोती, मैं वीकली ही धोती हूँ, क्योंकि बाबू मेरा अभी बड़ा हो गया तो गंदा उतना करता नहीं है, इसीलिए मैं वीकेंड में ही धोती हूँ। तो ये देखिए, जल्दी जल्दी मैंने चारों पिलो में कवर लगा लिया। कवर लगाने के बाद मैं बेडशीट को अच्छे से लगा दूंगी। तो बेडशीट लगाते समय हमेशा याद रखिएगा, चारों कॉर्नर में नॉट बांध लीजिएगा, जिससे वो चादर जो है सरकेगा नहीं और अच्छा भी लगेगा, एक जगह पे स्टेबल रहता है। ये मेरा छोटा सा ट्रिक है, आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ट्रिक काम आया कि नहीं। मैं चारों कॉर्नर में एक नॉट बांध लेती हूँ और चारों कॉर्नर को अच्छे से मैट्रेस के संग स्टक कर देती हूँ, जिससे वो निकलेगा नहीं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इस कॉर्नर में भी मैंने स्टक कर दिया, उस कॉर्नर में भी मैं स्टक कर दूँगी, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, मतलब जैसे रहेगा वैसे ही। आप 2-3 दिन आराम से ऐसे आपको बेडशीट चेंज ये गुछाना नहीं पड़ेगा, एक जगह पे ही रहेगा और अच्छे से आप झाड़ भी पाइएगा। तो ये देखिए, मैंने चारों को नॉट्स को अटका दिया और बस मेरा बेड जो है देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पहले कितना मैसी हुआ पड़ा था। अगर आप नए मतलब धोए हुए चादर बेड पे बिछाते हैं तो कितना सुंदर लगता है, और उसे गुसरिया अच्छे से गुछा देने से और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने पिल्लो भी अपने अपने जगह पे रख दिए, हम लोग 3 आदमी हैं लेकिन पिल्लो हमारे 6 हैं, 2 मेरे हस्बैंड को लगता है, 2 मुझे लगता है और 1 मेरे बाबू का है। तो ये देखिए, मेरा रूम का काम ख़त्म हो गया, अब मैं बरांडे में जाऊंगी। बरांडे में ये देखिए, सोफ़ा का कवर भी मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि धो लूँ, लेकिन आलस बोलते नहीं, आलस इतनी बुरी चीज़ है कि काम करने का मन ही नहीं करे। तो ये 3 सप्ताह में मैं हमेशा धोती हूँ। बहुत दिन बाद मैंने ये सोफ़ा कवर निकाला है और इसे मैं धुलने के लिए दे दूँगी, पानी में भिगो के मतलब निरमा पानी में भिगो के रख दूँगी और दोपहर के टाइम मैं इसे धो दूँगी। और ये देखिए, पिलो भी मैंने सोफ़ा जो कवर था वो मैंने अपने हाथों से सिलाई किया है मशीन में, और ये पिलो भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। मेरे बाबू के जितने भी बचे कपड़े होते हैं उनको मैं पिलो में डाल देती हूँ। ये एक क्या होता है कि फेंका भी नहीं जाता बच्चे का कपड़ा और यूज़ भी हो जाता है। तो ये देखिए, पिलो के इसमें यूज़ हो जा रहा है। और ये कवर वगैरह भी मैंने अपने हाथों से ही मशीन से ही सिया है, तो ये मेरा खुद का ही DIY है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा कवर कैसा लगा आप लोग को। और ये बस मैं ये धोने के बाद निकाल देती हूँ। अब इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, जो काम है किचन में, दाल चावल पक चुका है। ये देखिए, एक्वेरियम कितना सुंदर लग रहा है, मच्छी अपने अपने जगह पे तैर रही है। मेरा पुराना TV जो था वो ख़राब हो गया LED, तो ये पुराना वाला TV अभी यूज़ कर बनाएंगे बाद में, अभी तो नहीं बना रही हूँ, जब बनेगा तो फिर लग जाएगा, कोई बात नहीं। और यहाँ देखिए, कुछ इस तरीके का मेरा बरंडे का व्यू है। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा बरंडा का व्यू कैसा लगा। अब मैं यहाँ झाड़ू दे दूँगी, ऐसे सुबह मैंने पोछा लगाया था तो उतना गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत गंदा तो निकल ही आता है बिस्तर वगैरह चेंज करने से, तो ये जो जितनी भी गंदगी है मैं झाड़ के निकाल लूँगी। और
जल्दी जल्दी मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि काम करते करते 11:30 बज गया और काम भी मतलब बाकी था। काम क्या, वही दाल चावल तो पक चुका था, सब्जी बनाना ही बाकी था, तो ज़्यादा देरी नहीं लगता सब्जी बनाने में। यहाँ का देखिए बरामदे का व्यू, मैंने ऑलरेडी अपने रूम में दोनों रूमों में झाड़ू दे दिया था, तो इसलिए मैं रूम का नहीं दिखा रही हूँ। बस अभी मैं किचन में चल जाऊँगी और आम का चटनी बनाऊँगी। आप लोग देखिएगा आम का चटनी कैसे, गर्मियों के दिनों में आम का चटनी खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। कच्चे आम की चटनी जिसे कैरी भी कहा जाता है, बहुत देशों में कैरी कहा जाता है कच्चे आम को। तो ये मैं छोटे छोटे, पहले मैंने आम को छील लिया और उसके बाद उसके पतले पतले स्लाइसेस कर दूंगी, ये देखिए। और अभी तो हम लोग का नवरात्र चल रहा है, तो वेजिटेरियन खाना चल रहा है, लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा, तो बिना लहसुन प्याज का ही सब्जी वगैरह बन रहा है। तो ये देखिए मैंने पतले पतले स्लाइसेस कर दिया। अब इसमें 4 सूखा मिर्च, लाल मिर्च डालूंगी, नमक तेल डालूंगी और लहसुन भी पड़ता है, लेकिन क्योंकि नवरात्र चल रहा है इसीलिए मैंने नमक ऐड नहीं किया। आप लोग ऐड करके खाइएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आम की चटनी कैसा लगा आप लोग को। और पीसने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का लगेगा, आप देख लीजिए, मैं बाटी में इसे निकाल कर दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसा लगेगा। और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, चावल दाल के संग खाइएगा तो इतना टेस्टी लगता है ना। और यहाँ पे मेरा साग जो चौड़ाई का साग कहा जाता है, वो भी मैंने कट करके रख लिया, धुला के सूखा मिर्च और तेल जीरा देके फ़ोरन देके मैंने इसे डाल दिया और नमक डाल दिया। अब ये ढक ढक के अपना जब तक पानी है सूख जाएगा तो बन जाएगा रेडी खाने के लिए। और खाने में मैंने बनाया था दाल, चावल, करेला का भाजी, आम का चटनी और ये चौड़ाई साग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों को संग लाती रहूँगी और बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।